हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज हैरी गिल, एजुकेशन ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की स्पेशल वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने प्रकार के इनकम के सोर्सेज आपके हो सकते हैं और कितने टाइप्स हो सकते हैं आपकी इनकम के, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, रॉयल लाइफ जीना चाहता है दोस्तों। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना होगा। अगर आप लोग एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बाधा बन सकता है। फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए आपको अभी से ही सोचना होगा कि आपके इनकम के जो सोर्सेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तभी दोस्तों, जितने भी आजकल आप नाम सुनते हैं, जितने अमीर व्यक्तियों के नाम सुने होंगे, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस समय बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी लिस्ट आती है द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें देखा होगा कि जो बिजनेसमैन हैं वो दोस्तों किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं है, उनके पास में बहुत सारे इनकम के सोर्सेज हैं और उसके बलबूते दोस्तों वो आज दुनिया में छाए पड़े हैं, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। तो आपको भी अगर दोस्तों अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों मेन इनकम सोर्सेज के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेनली 7 प्रकार के इनकम सोर्सेज होते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा इन जो इनकम के सोर्सेज हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम बढ़ानी है और अपने भी इनकम के सोर्सेज ज्यादा करने हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला है दोस्तों अर्नड इनकम। अर्नड इनकम क्या होता है दोस्तों? आप कहीं भी अगर जॉब करते हैं, कोई वर्क करते हैं, उसके बदले में दोस्तों जो आपको सैलरी मिलती है या वेजेज मिलता है उसे हम लोग अर्नड इनकम बोलते हैं। अर्नड इनकम दोस्तों, जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप वर्क कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों या प्राइवेट एम्प्लॉई हों, उसके बदले में जो दोस्तों आपको अर्निंग मिलती है, उसके बदले में जो आपको मजदूरी मिलती है, उसे अर्नड इनकम बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे बीच में साथी हैं, वो किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं करना चाहते, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो अपना बिजनेस डालते हैं, कोई स्मॉल हो या फिर मीडियम हो या फिर दोस्तों हाई लेवल का बिजनेस हो, तो जब वो डालते हैं तो वहाँ पर समय देते हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो भी उनको प्रॉफिट हासिल होता है अपने बिजनेस में एक्सपेंडिचर करने के बाद में, फ्यूचर प्लानिंग करने के बाद में जो पैसा दोस्तों उनके पास में बचता है उसे हम लोग प्रॉफिट इनकम बोलते हैं। तो सेकेंड जो इनकम है दोस्तों वो क्या है? बिजनेस इनकम है। तो आगे बात करना चाहेंगे दोस्तों थर्ड इनकम की, जिसे बोला जाता है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम क्या होती है दोस्तों? ये बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे साथी हैं या फिर सक्सेसफुल लोग हैं जो कि अपनी बिल्डिंग्स को, अपने लैंड को या फिर इसके अलावा किसी व्हीकल को रेंट पर दे देते हैं। दोस्तों एक समय के बाद में क्या होता है कि उसका फिर उनको एक रेंट मिलता है, वो मंथली भी हो सकता है, ईयरली बेस भी हो सकता है। आजकल तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एडवांस में क्या रेंट मिलता है। तो जो भी अगर आप किसी अपनी डिवाइस को, किसी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी व्हीकल या फिर बिल्डिंग को जब आप दूसरे को दे देते हैं यूज करने के लिए, तो उसके बदले में जो आपको इनकम मिलती है उसे रेंटल इनकम बोलते हैं। तो यह रही तीसरी इनकम। अब बात करना चाहेंगे नेक्स्ट इनकम की, जिसका नाम है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्या होती है कि आप अपना कमाया हुआ पैसा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, प्राइवेट सेक्टर में करते हो या बिजनेस करते हो, आपकी इनकम होती है, तो फिर क्या चाहते हो आप लोग? उस इनकम को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसको और बड़ा किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि आप अपनी जो भी आपके पास में मनी होती है, इनकम होती है, उसको आप ब्याज पर दे देते हो, दूसरे को दे देते हो यूज करने के लिए, और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, जो भी बढ़कर मिलता है वो आपका कुछ भी हो सकता है। आजकल जनरली क्या 3% से लेकर 10% के बीच में होता है जनरली, जब आप दूसरों को उसका यूज करने के लिए देते हो, तो मंथली भी होता है दोस्तों, कुछ सालाना भी चार्ज करते हैं, तो 1 से 10% के बीच में होता है। जो भी दोस्तों आपको उसके बदले में मिलता है, जो आपने समय दिया है, अपने पैसे को समय के लिए दिया है, तो दोस्तों उसे इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो दोस्तों ये बैंक में भी हो सकती है या किसी भी आप मिलने वाले को या जानने वाले को आप दे सकते हैं, कुछ गारंटी लेकर, किसी गारंटी कुछ सामान लेकर, कुछ प्रॉपर्टी लेकर उसके अगेंस्ट में दे सकते हैं, कुछ जान पहचान में भी लोग दे देते हैं। तो ये रही दोस्तों चौथी इनकम। नेक्स्ट इनकम की बात करना चाहूंगा दोस्तों कैपिटल गेन इनकम, जो कि पांचवी इनकम है। कैपिटल गेन इनकम क्या होती है? जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं और स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं। आजकल तो जनरली हर कोई अपना इस इनकम को एक अपना इनकम का सोर्स बना चुका है इस सिस्टम में, जैसे कि शेयर मार्केट में जब वो इन्वेस्ट करता है। तो आप लोग भी किसी भी अच्छी सी कंपनी को देखकर उसमें उनके शेयर खरीद सकते हैं और उसके बाद में उसको बेच सकते हैं। तो जो भी खरीदने और बेचने के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है,
होता है उसे कैपिटल गेन इनकम बोलते हैं। दोस्तों आजकल पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि विप्रो में इन्वेस्ट करते हैं, कोई टाटा में इन्वेस्ट करता है, कोई बैंकों में SBI हो गया, HDFC हो गया, उनके शेयर खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके उनके शेयर खरीद कर वहाँ पर आप उस कंपनी के छोटे मोटे मालिक बन सकते हैं, ऑनर बन सकते हैं। तो उसके बदले में जब आपको जो प्रॉफिट हासिल होगा उसे कैपिटल गेन इनकम बोलते हैं। तो दोस्तों आगे बात करना चाहूँगा छठी इनकम की, उसे बोलते हैं डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम भी दोस्तों कैपिटल गेन इनकम से जुड़ी हुई है। जो भी लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी में विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद में जब कंपनी को प्रॉफिट जो होता है वो शेयर के रूप में तो उनको मिलता ही मिलता है, उसके अलावा डिविडेंड के रूप में भी दोस्तों प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी खुश होकर उन शेयर होल्डर्स को देती है जिन्होंने उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है और ट्रस्ट दिखाया है। तो दोस्तों ये जो इनकम कैसे, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा और डिफिनेशन भी बताना चाहूंगा। जो डिविडेंड होता है दोस्तों, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कंपनी टू इट्स स्टेक होल्डर, जिन्होंने उसमें लंबे समय तक विश्वास दिखाया है तो कंपनी उसको क्या देती है, डिविडेंड देती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने विप्रो में शेयर उसके खरीदे और मैं खरीदे और लगभग टॉप 100 लोग थे जिन्होंने खरीदे, जिन्होंने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, तो इंटरेस्ट दिखाया और ट्रस्ट दिखाया। उसके बाद में क्या होगा कि कंपनी देखेगी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट दिखाया हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है या लंबे समय तक किया है, तो उनको क्या है प्रॉफिट स्वरूप उनको अलग से डिविडेंड भी देती है, जो कि अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसको दिया जाता है, उसे डिविडेंड इनकम बोलते हैं। ये दोस्तों छठे प्रकार का जो है आपका इनकम का सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों सातवें प्रकार की इनकम, उसे बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी इनकम क्या होती है दोस्तों, जब आप की कोई खास चीज जैसे कि पेटेंट्स हो गया या कॉपीराइटेड वर्क हो गया या कोई फ्रेंचाइज मॉडल हो गया, जैसे आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को यूज करके जब दूसरे लोग अपना बिजनेस करते हैं उसके बदले में आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलती है। जो रॉयल्टी इनकम मिलती है दोस्तों वो फ्रेंचाइज से मिल सकती है, आपके कॉपीराइटेड वर्क से मिल सकती है, या फिर कोई भी आपका पेटेंट हो सकता है, कोई ऐसे स्पेशल यूनिक चीज़ हो सकती है जो कि आपने उसका पेटेंट करवा लिया है, उसके बाद में जब जब लोग उसको यूज करेंगे तो आपको वो मंथली हो गया या ईयरली बेस पर पे करेंगे। जैसे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके बिल गेट्स क्या हैं, फाउंडर हैं, तो बिल गेट्स को क्या मिलता है, रॉयल्टी इनकम मिलती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में लोग उसको यूज करते हैं और उसके बदले में हर साल उनको एक रॉयल्टी इनकम जाती है। तो रॉयल्टी इनकम दोस्तों सबसे शानदार होती है, अगर आप भी कुछ ऐसा खास कर सकते हैं तो आपको भी रॉयल्टी इनकम हासिल हो सकती है, मिल सकती है। तो दोस्तों ये है सात इनकम के सोर्सेज, सात सेवन टाइप्स ऑफ इनकम। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और अपने एरिया में, अपने कंट्री में और वर्ल्ड में पूरे अपना नाम कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज आपको बढ़ाने होंगे। दोस्तों आज जो मैंने बताया ये इनकम के सोर्सेज थे और आप लोग, उम्मीद है कि सभी लोग इस पर जोर देंगे और कोशिश करके अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएंगे। दोस्तों आज की अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि इनकम के सोर्स मेनली कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों अगर लगातार आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं और लगातार रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। जो भी नए साथी हैं वो जरूर इसको करें और अगर जो नए साथी हैं दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़कर और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस, अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस यहाँ से लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।